टिमटिमाते लाइट और सरपट चलती सड़कों के बीच भी एक जीवन अपने भूख और नींद के लिए भटकता रहता है। इस भागम भाग के उधेड़बुन में हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जो बेफिक्र बेइंतहान अपनी मुट्ठी में टूटा मुकद्दर लेकर यह लोग घूमते हैं, उनको भी हमारे आपके जैसे जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई रहस्य नहीं है, अपने कर्मों की पोटली लादे यह महिला रात को किसी ऐसी परिस्थिति के तलाश में है जिसके अंदर की भूख मिट जाए और अलमस्त कल सुबह तक के लिए एक नींद मिल जाए। उनकी परिस्थितियां उन्हें सड़कों पर दर बदर घूमने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे घूम रही है यह पगलिया। यह पगलिया कहां से आई, कब आई, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब से इस मोहल्ले में दिखी, लोग सतर्क हो गए। आते जाते घूमते वह पगलिया उस मोहल्ले के लिए आम हो गई थी। इस कॉलोनी में कई घर हैं और उन घरों में कई इंसान, लेकिन भ्रम होता है क्योंकि जो इंसानियत इंसान नहीं पहचानती वह इंसान कैसे हो सकते हैं। वही एक महिला है रोशनी, उस पगलिया से उसे एक अपनापन हो गया। उसके अंदर उसकी मासूमियत और गहरी संवेदनाओं से एक नाता जुड़ गया। वह जब निकलती तो उसे मन भर कर देखती और कुछ खाने के लिए जरूर देती। बहरहाल वह पगलिया भी वहीं रुकती, क्योंकि वह भले पगलिया है लेकिन उसके अंदर की भूख भी हमारे आप की तरह है। पगलिया डरती दौड़ती भागती अब हर तरफ देखी जाती। नहीं नहीं कौन भी भगवान मारे है इनका। दिन समय की रेत की तरह निकल रहे थे, लेकिन उस बेजुबान को पता नहीं था कि एक रात उसके लिए कितनी काली होगी। अब इंसान अपनी भूख के लिए किसी अबोध किलकारी को भी नहीं छोड़ता। उस रात शराबी चार दरिंदों की भूख तो शांत हुई, लेकिन संसार वह पगलिया हो गई जिसका कोई दोष नहीं। कोई जाति धर्म समाज की होती तो शायद आंदोलन अनशन तख्तियों की क्रांतियां भभक उठती, संसद भवन हिल उठते।
लेकिन वह अपने कर्म का पूछती रोती कुछ दिनों तक वहीं पड़ी रही। फिर किसी ने उसे रोटी की दो टूक और कुछ दवाइयां दी तो उसके अंदर का जीवन फिर पनप उठा, फिर चल उठा। लेकिन वह अब अकेली नहीं थी, अब और एक आत्मा उसके अंदर इस संसार में आने के लिए पल रही थी। हे भगवान, यह बिचारी के कितनी दुर्गत हुई गए। एक तो पहले भगवान ओखा मारे रहा, अब ओखे पेट में लड़का आएगा, कैसन के का करी का ना करी। कौनो अधर्मी आपन तो भूख पूर कर हिस, वह पापी यह बिचारी हो गए। ये एक ताऊ अगर रोटी देता है और लहका दी से चल। रोशनी की पड़ोसन रुचि है देखकर उससे रहा नहीं गया और वह जा करके यह संवेदना यह भाव रोशनी से जाकर बताई। ठीक है, आप जब निकली तो हम बताओ अपना का। हम का बताए, हम इतने दिन से वो का ताके है, वो उठी नहीं रही। हम हो कारण जीजी बहुत मानती है वो। कौन ही कही गए वो? अरे यही कही सीधे निकल गई ही वे। यह गली ऐसे गई ही वे। कस के वो पगत भर भर पोषण करी हो जी। जीजी देखिए, हम जाई थी जाए अरे गई थी, अब जब निकली तो हम हमका बताए तू। ए जीजी, हाँ हाँ जी, चलिए वो पकड़ लिया और किसी निकल रहे। चल चल जल्दी, हम अभी दिखा आई। और एक दिन उसी मोहल्ले की खाली प्लाट पर कुछ लोग खड़े थे।
उत्सुकता बस रोशनी का पति झांका और उसे उसी हाल में छोड़कर चला गया। कुछ लोग कौन है, कहां से आई, क्या हो रहा है, यह बात आपस में फुसफुसाते हुए फोटो वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उससे सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा। वह दर्द से कराह रही थी, उसकी मांसपेशियां प्रसव पीड़ा के कारण फटी जा रही थी, लेकिन वह अपनी सिहरन किससे कहे। रोशनी को जानकारी मिलते ही हवा की तरह दौड़ती भागती आई और देखा कि एक नन्ही सी कली अब और इस धरती पर आ चुकी है। चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, इनते को मारिए तो ऊपर वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, तुम्हारे बचन जैसा कोनो नीच आदमी है इवे करी सी एक तो पागल के साथ हैं, इनते मजाक बना रहे हो खर तू, जैसे ये पागल निकल गए के साथ ही में कुकर्म किया था इसे एहू को पागल बनबल चाहते हैं, को नहीं है एकर एकर हम है ना, लेकिन अब वो है पागल ही है, मात्र एक घटना बनकर रह गई। भूख प्यास और तड़प ने उसे और जीने का मौका नहीं दिया, वह जिंदगी से हार गई, वह छोड़ गई इस दुनिया को जहां लोग रहते हैं, जहां इंसान रहते हैं, जहां आंखों का पानी मर चुका है, जहां की संवेदनाएं जाति और मुनाफे पर पिघलती हैं। अपने पास नहीं है तो पाल ले हम पंचे पाल ले तो पगलिया की लेके आए वहां पागल हुई काय के लिखा है कि पगलिया की बिटिया है हमें का अपन बना ले। देखिए गंदा खून हम अपने घर में ना रखा, कोहू के गंदगी ले आए गए अपने घर में जो रख लिए है, हमका समाज का कही लोग का कही है कि माने अब एक इतने भर बच्चे रहा है कि लेके चली आई तो है हम बच्चे हो जी जैसा उनके फोटो खींच रहे हैं वीडियो बनबत रहे हैं, एक ठे पागल को पेटे के नीचे दरे दरे भागत रही को के साथ कुछ खींचता नहीं बा वो कहा जाने बिचारी एगो को छाड़ देती है वैसे न दरे दरे भागी। वह पगलिया तो चली गई अपने कर्मों की पोटली लेकर, लेकिन एक पगलिया अब पगलिया बनने से बच गई, उसको इस अंधियारे में एक रोशनी मिली, उसे एक जीवन मिला और रोशनी को एक सहारा मिल गया, जीवन मिल गया। लेकिन आज भी कई पगलियां इस तरह सड़कों पर और खुले आसमान के तले घूम रही हैं,
और जिंदगी और सड़कें, ये दुनिया उसी रफ्तार से चल रही है।